बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वीक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 और इसमें बेटा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 जो हमारे पास है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, उसी के रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो स्क्वायर रूट के रिलेटेड है। हमारे पास स्क्वेयर कोई ना कोई बन रहा होगा, स्क्वेयर रूट फाइंड करना होगा, तो जिसमें स्क्वेयर ऑफ द लेंथ आ जाएगा, तो सम टाइप ऑफ स्क्वेयर रूट है। तो जैसे आप पीछे करके हैं एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3, उसी के रिलेटेड ये भी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ स्क्वेयर इज 73.96 मीटर स्क्वेयर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड। जैसा कि बेटा आपको नजर आ रहा है, स्क्वेयर जो होता है, अ शेप हैज फोर साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वेयर। जिसकी फोर साइड इक्वल होती है उसको हम कहते हैं स्क्वेयर, और स्क्वेयर की फोर साइड्स को हमने लेंथ का नाम दे दिया एल। फोर साइड्स को हमने एल के इक्वल कंसीडर कर लिया है। सॉल्यूशन, द एरिया ऑफ स्क्वेयर इज 73.96, सो द एरिया ऑफ स्क्वेयर is equal to length into length, means length का square, हमने length find करनी है, तो length का square cancel कर देंगे हम, इसलिए हमारे पास आ जाएगा L का square, ऊपर square root ले लेंगे square को cancel करने के लिए, तो cancel होके हमारे पास length आ जाएगी 73.96 का square root। इसको हम क्योंकि decimal point को हम fraction में convert करके उसका हम square root find कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 73.96/100। तो 73.96 का हम स्क्वायर रूट सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट जैसे हम पीछे सीख के आए हैं एक्सरसाइज 5.3 में बाय डिवीजन मेथड, उसी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद फर्स्ट पेयर को देखेंगे तो 68 पे जाएगा 64, 88 से 64, तो हमारे पास जब 73 में से 64 को माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 9। तो ये पेयर नीचे से ऊपर से नीचे ले आएंगे 96, तो हमारे पास बन जाएगा 996, और ये हमने 8 लिया है, जो नंबर लिया होता है उसमें वही नंबर ऐड करते हैं, तो 8 + 8 = 16 हो जाएगा। अब 16 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 996 आ जाए, तो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 166 हो जाएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 16 के साथ 6 लगाएं और उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 996। वो उसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर से ऊपर 686 लगा दिया हमने, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 7396 आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 86। और क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 = 10, हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आएगी 8.6 मीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 243 मीटर एंड 72 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वेयर शेप स्विमिंग पूल विच हैज सेम एरिया एज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। सबसे पहले बेटा जो रेक्टेंगल शेप होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे कि आपको नजर आ रहा है टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है, इनको हम कहते हैं रेक्टेंगल, और इसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। और स्क्वेयर में हम पढ़ के आए हैं जिसकी फोर साइड्स आर इक्वल, ऐसी शेप जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं स्क्वेयर। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन जिसकी साइड इक्वल नहीं होती उसका एरिया ऐसी शेप के इक्वल है जिसकी चारों साइड सेम होती है। इसको हम आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल गिवन है 243 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हमें 27 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6561 मीटर स्क्वेयर। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन के मुताबिक एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अभी पिछली प्रॉब्लम में हमें पढ़ के आए हैं कि एरिया ऑफ स्क्वेयर जो होता है वो होता है लेंथ का स्क्वेयर, तो लेंथ का स्क्वेयर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने फाइंड किया है उसके इक्वल आ जाएगा 6561। हमने लेंथ फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे,
तो स्केयर और स्केयर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे फ्रॉम दी लेंथ, सो लेंथ इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 6561। तो 6561 का स्केयर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे 65 का और 61 का पेयर बन जाएगा। 65 जो है इससे जो पीछे हम सीख के आए हैं 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 8 64 हो जाएगा। जब 65 में से 64 माइनस करेंगे तो 61 आ जाएगा और 61 ये पेयर को नीचे ले आएंगे। अब जो नंबर लेते हैं उसी नंबर को ऐड करते हैं और 8 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा 16। और 16 के साथ कौन सा ऐसा नंबर लगाएं तो उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 161 आना चाहिए। तो अगर हम 16 के साथ 1 यूज़ करते हैं और 161 हो जाएगा, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 161 आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने इसके साथ 1 यूज़ किया है तो 161 into 1 आ जाएगा। 161 माइनस 161 रिमाइंडर इज 0। सो द लेंथ इज 81 मीटर ऑफ अ स्क्वेयर। जो हमारे पास स्क्वेयर होगा उसकी जो लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ द स्क्वेयर इज 81 मीटर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अ नर्सरी ओनर ट्राइज टू अरेंज 89500 प्लांट्स इनटू शेप ऑफ सॉलिड स्क्वेयर। ये जो हमारे पास 89500 प्लांट्स हैं उनको हमने अरेंज करना है एक स्क्वेयर की फॉर्म में। मींस एक रो में जितने ट्रीज लगे हैं और एक कॉलम में जितने ट्रीज लगे हैं वो सेम होने चाहिए। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। बट ही फाइंड दैट ही हैज 99 प्लांट्स लेफ्ट ओवर। कि 89500 में से हमारे पास अगर उनको रो और कॉलम में अरेंज करके लगाएं तो 99 प्लांट जो है वो हमारे पास बच जाएंगे। फाइंड हाउ मेनी प्लांट्स डिड द ओनर अरेंज इन अ रो। हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है या एक रो में हमारे पास कितने प्लांट्स लगे हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास गिवन है 89500 और जो प्लांट्स लेफ्ट ओवर रह जाते हैं वो है 99। तो अरेंज प्लांट में जो टोटल प्लांट्स हैं उनमें से लेफ्ट ओवर प्लांट को माइनस कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा अरेंज प्लांट्स दैट इज इक्वल टू 89401। अगर हम अरेंज प्लांट का स्क्वेयर रूट लें तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लांट्स इन अ वन रो। तो स्क्वेयर रूट से हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला पेयर बनेगा 01 का, फिर 94 का और 8 वैसे ही रह जाएगा जैसे हम पीछे सॉल्व करके आए हैं। तो हम 2 लेंगे, 2 2 4, अगर 3 लेंगे तो वो 9 हो जाएगा, 8 से ग्रेटर हो जाएगा। तो 2 2 4, जब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये वाला 94 वाला पेयर नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 494। अब जो नंबर लिया है उसी में वही नंबर ऐड करेंगे तो 2 + 2 = 4। अब 4 के साथ कौन सा नंबर अटैच करें कि जो 494 से या तो कम हो या उसके इक्वल हो। हम लेंगे 9। जब 9 को 4 के साथ 9 लगाएंगे तो 49 हो जाएगा। तो 49 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 441। इसलिए हमने लिख दिया 441। जब माइनस करेंगे 494 में से तो हमारे पास बच जाएगा 53 और ये 01 वाला पेयर नीचे ले आए हैं तो 53001 हो जाएगा। 49 क्योंकि 9 बाद में लिया, 9 इसमें ऐड करेंगे तो 49 + 9 58 हो जाएगा। तो 58 के साथ कौन सा नंबर लगाएँगे 5301 आए। तो 58 के साथ अगर 9 लगाएं और 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5301 आ जाएगा। जो नंबर लगाएंगे उसको ऊपर लिखते जाएंगे। सो प्लांट्स इन अ वन रो इज 299। जो आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है इस एक्सरसाइज के, जो बाकी क्वेश्चन है वो आप लोगों का होम असाइनमेंट है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने करने हैं उन सवालात को भी। वो अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।